दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर संजार शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं बात करने वाला हूं फरवरी 2023 कुंभ राशि वालों के लिए। स्पेशली बड़ा ही अद्भुत समय है आपके लिए। जितने भी मैंने अभी प्रेडिक्ट कुंभ राशियों की है फरवरी के लिए, ये सबसे बढ़िया राशि आपकी कुंडली की आ रही है। आपके जो भी मैं प्रडिक्शन करता हूँ, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपके मून साइन पर कर रहा हूँ और ग्रह गोचर के अनुकूल कर रहा हूँ, ये सब आपके नाम पर आधारित है। आपके राशि का स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि आपके लग्न में ही, राशि कुंडली के हिसाब से लग्न में ही बैठे हुए हैं। साथ में आपके भाग्येश का मालिक, भाग्य का मालिक और चौथे सुख स्थान का मालिक शुक्र शनि के साथ लग्न में विराजमान है। एक और प्रबल बात, सातवें स्थान का मालिक सूर्य लग्न में शनि के साथ वर्तमान है और ये तीनों योग, क्योंकि सूर्य नेम फेम देने वाले हैं, शुक्र वाणी को प्रखर करने वाले हैं और शनि हमारे व्यवसाय व्यापार सबको अच्छा करने वाले हैं, तो तीनों का ग्रह जो योग है ये प्रबल राजयोग बना देता है आपके। यानी कि फरवरी महीना आपके लिए प्रबल राजयोग कारक है। इस महीने में एक दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये प्रबल राजयोग आपको दे क्या रहा है, पुराने कोई भी काम, अगर आपके ऊपर कोई केस इत्यादि कुछ भी चल रहा है, आप बिल्कुल आलस मत करिए, एग्रेसिव होकर के उस काम को करिए, आपका इस महीने में पूरा का पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरी चीज, बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे, ये बहुत ही अच्छी चीजें दिख रही है आपकी कुंडली में। उसके साथ साथ शनि का लग्न में आना, आपकी वाक्पटुता यानी कि बोलने की जो व्यवहारिकता आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन लग्न का शनि थोड़ा सा, क्योंकि आपके कुंभ अपने ही घर के हैं, बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन फिर भी नेचर है उनका, हो सकता है थोड़ा सा आप अपने सेहत में, पेट से रिलेटेड सेहत से ध्यान जरूर रखिएगा। खाने पीने पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनपच इत्यादि की आपकी संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जुपिटर आपके दूसरे स्थान में, बृहस्पति दूसरे स्थान धन स्थान में है, ये बताता है कि धन की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, परिवार की वृद्धि। धन की वृद्धि तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, धन बढ़ेगा, लेकिन कुटुंब की वृद्धि क्या मतलब होता है? कुटुंब की वृद्धि का अर्थ होता है आपके परिवार में, रिश्तेदार में कहीं ना कहीं किसी के मंगल कार्य होंगे, शादी होंगे, जिसके कारण कोई नए मेहमान घर में आ रहे हैं, तो वृद्धि स्वाभाविक हो गई। संतान वृद्धि, अगर आप कपल्स हैं, मैरिड हैं, संतान सुख चाहते हैं, तो संतान के लिए भी बड़ा सुंदर समय है, तो फरवरी महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ भाइयों के साथ, मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, सभी के साथ बढ़िया अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि लग्न में शनि है और शुक्र है, तो आपकी वाक्पटुता और स्वभाव जो है थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, तो जो संबंध अच्छे होंगे तो दोबारा संबंध आफ्टर 17 फरवरी के बाद खराब भी हो सकते हैं, तो भाई से विवाद भी हो सकता है, कुटुंब से विवाद भी हो सकता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए 17 फरवरी के बाद। लेकिन उससे पूर्व अगर हम 3 फरवरी से देखें, तो अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपका भाग्येश और चतुर्थेश शुक्र लग्न में जो बैठे हैं वो भाग्य का कारक है। आप अपने वाणी पर कंट्रोल व्यापार में भी रखिए, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका वाणी पर कंट्रोल हुआ तो आपके साथ पुराने जो संबंध थे लोगों को काम करने का, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ करके आप साथ काम कर रहे हैं और उनके कारण आपके काम ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। व्यापार में अचानक आपकी प्रगति हो रही है, धन अचानक आ रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको आगे बढ़ाने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपका कोई धन बहुत दिनों से रुका हुआ था, किसी को आपने उधार दे रखा था, तो इस महीने में आपको धन भी मिल रहा है। लेकिन मैंने एक बात की कि 17 तारीख से आपके लिए थोड़ा सा भाई कुटुंब इत्यादि से संबंध खराब हो रहे हैं, वो आपके वाणी के कारण, तो मैंने कहा कि आपको 5 सफेद वस्तुओं का दान इस महीने में जरूर करना चाहिए, जैसे चावल, चीनी, दूध, ये सब सफेद वस्तु में आते हैं, इनको उठा करके आप कहीं भी ले जा करके दान करके आइए, किसी गरीब को दे के आइए, किसी मंदिर में दे के आइए, लेकिन आप इस महीने में दान जरूर करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ओवरऑल देखें तो फरवरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए राजयोग कारक है
बस सावधानी से आप काम करें। नमस्कार।